धन्यवाद। दादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी हमारा विषय सनातन पर संग्राम, रैली पर विराम। बयान शनिवार का है, चर्चा सोमवार को इसलिए क्योंकि बीच में दो दिन चर्चा थी ही नहीं। शनिवार को एक खबर आई कि जो एक बहु महत्वाकांक्षी विपक्षी दलों का गठबंधन नरेंद्र मोदी और एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयार हुआ है, वो हुंकार भरने की शुरुआत करेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में पहली रैली होगी इंडिया अलायंस की और उसके माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया जाएगा। पर संदेश पूरे देश तक पहुंच जाता उससे पहले ही कमलनाथ जी का बयान आ गया और कमलनाथ जी ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में दरअसल वही कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। किसने कहा रैली तो रद्द हो गई। अब रद्द हो गई ऐसे समय पर जब पूरा विपक्षी दलों का समूह इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो यह अचंभा पैदा करता है। सवाल उठता है कि आखिर यह रैली रद्द क्यों हो गई? जिस रैली के माध्यम से विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने की उम्मीद थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल ने स्वयं जिस रैली का ऐलान विपक्षी दलों से चर्चा के आधार पर किया था, उस पर कमलनाथ ने पानी क्यों फेर दिया? चर्चा का विषय है तो हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के संदर्भ में मौजूद है। हमारे साथ जिस कांग्रेस ने इस रैली को रद्द कर दिया उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कमलनाथ जी के बेहद विश्वसनीय पूर्व सांसद, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी मौजूद है। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंदसौर से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संभावनाशील चेहरा है। वर्तमान में तो वह उस भूमिका में नहीं दिखे पर आने वाले समय में बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का स्वागत है। बयानों की एक संक्षिप्त झलक देखते हैं और उसके बाद प्रताप भानु जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार देखिए ये दो बयान। रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली, इंडिया एंड नहीं होने वाली, कैंसिल हो गई। गठबंधन सनातन धर्म का आदमी हो यार, ये ढोंगी है, ये चुनाव को देख के बगुला भक्ति करते हैं और हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का अपमान करवाते हैं और आज तक एक शब्द नहीं बोल रहे। जिन्हें सनातन धर्म का अपमान किया, ऐसे गठबंधन के लोगों के खिलाफ क्या किया बताए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ? चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होगा, जो हमने जनता की सेवा की है, भाई बहनों की सेवा की है, जो विकास किया है, चुनाव उस मुद्दे पे होगा, लेकिन सनातन का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। तो प्रताप भानु जी, ये क्या हो रहा है भाई? भाई जिस रैली के आयोजन को लेकर उत्साह दिखना चाहिए था, कमलनाथ जी उस रैली के स्थगित होने के संदर्भ में, रद्द होने के संदर्भ में उत्साह के साथ बता रहे हैं नहीं होने वाली इंडिया की रैली, रद्द हो गई रैली। इतना उत्साह विपक्षी दलों के जिस समूह के आधार पर देश भर में चुनौती का वातावरण तैयार किया जाना था, उसके रद्द होने को लेकर इतना उत्साह समझ नहीं आया। थोड़ा आप समझाइए ना प्रताप भानु जी, क्यों ऐसा उत्साह है? देखिए हिमांशु जी, चुनावों में कितना उत्साह है, इंडिया गठबंधन का कितना असर पूरे देश में है, ये तो उपचुनावों के रिजल्ट से मालूम पड़ गया जी। और भाजपा नेताओं के, जिसमें मोदी और शाह भी शामिल है, उनकी नींद हराम हो गई। सपने में भी उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम याद आता है जी। कभी घमंडी गठबंधन कह देते हैं, कभी इंडी गठबंधन कह देते हैं। इंडिया गठबंधन का सही नाम लेना तो वो भूल ही गए, उनकी जुबान से नहीं निकलता जी। अब वो भारत को इंडिया कहने में भी झिझकते हैं और उस पर भी बहस शुरू कर दी है। हमें कोई परहेज नहीं है, हम चुनावी मोड में हैं। मध्य प्रदेश में वैसे ही उत्साह से पूरा काम चल रहा है कमलनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम मध्य प्रदेश चुनाव की दौर में जा रहा है हिमांशु जी, ये आपको मालूम है। और जैसे इनकी आशीर्वाद यात्रा चल रही है भाजपा की, हम कार्यकर्ताओं और संगठन के बलबूते पर पूरे मध्य प्रदेश में जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो बड़ी ग्राउंड स्तर पर जाकर, जिसमें आरोप पत्र भी दे रहे हैं और जिसमें इनके खिलाफ जो चीजें इनने 18-19 सालों में नहीं कर पाए, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन में पहुंच रहे हैं। 19 तारीख से शुरू होगी और 5 अक्टूबर तक चलेगी
15 दिन का ये हमारा प्रोग्राम है, पूरा कार्यकर्ता पूरी रैंक एंड फाइल इसी कार्यक्रम में मेहनत और ईमानदारी से लगी हुई है। इस समय हम कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और 5 तारीख को समापन के अवसर पर प्रियंका गांधी की विशाल रैली मौनखेड़ा में धार में हो रही है, और वो इतनी बड़ी विशाल रैली होगी कि भाजपा की सभी रैलियों में इतने कभी इकट्ठे हुए तो ढोढो के लाते हैं। हमारे यहाँ तो अपने आप लोग आ रहे हैं और बड़ी से बड़ी रैली, आपने देखा राहुल गांधी की रैली कैसी हुई है कल हैदराबाद में, तेलंगाना में रिकॉर्ड हुई है, 5 लाख से आदमी कम नहीं था पूरे डिस्टर्बेंस के बावजूद भी। तो हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चल रहा है, जो AICC की देखरेख में ही चल रहा है। अरे प्रणब आनंद थोड़ा रुकिए भाई, AICC की देखरेख में बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से आपका कार्यक्रम चल रहा है भाई। AICC के संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल, जानते हैं ना प्रताप भानु जी आप KC वेणुगोपाल कौन है? उन KC वेणुगोपाल जी ने बताया था कि हम भोपाल में रैली करने जा रहे हैं, और कमलनाथ जी ने ये बताया कि हम ये रैली रद्द कर चुके हैं। 2-3 सवाल आपसे हैं। एक तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिए बगैर आप कार्यक्रम कर रहे हैं क्या, जो KC वेणुगोपाल जी को जानकारी नहीं थी? एक सवाल। दूसरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि ये गठबंधन किस लिए बना? गठबंधन बना भाजपा और NDA के खिलाफ देश में संदेश देने के लिए। तो क्या प्रियंका गांधी की रैली इस इंडिया गठबंधन की रैली से ज्यादा बड़ा संदेश देती है? बेकार में इतने नेता इकट्ठे होते हैं जिसमें सोनिया जी भी होती हैं, जिसमें राहुल जी भी होते हैं, जिसमें खड़गे जी भी होते हैं, शरद पवार जी भी होते हैं, और भी जाने कौन कौन होता है, ये सब मिलकर भी वो संदेश नहीं दे सकते जो एक प्रियंका गांधी धार जिले के मौनखेड़ा में अगर संदेश देंगी 5 तारीख को तो वो जाएगा। तो थोड़ा दोनों विषय पे कि KC वेणुगोपाल बिल्कुल अनभिज्ञ मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और इंडिया का सामूहिक नेतृत्व बोलना पड़ जाता है एक प्रियंका गांधी के आगे, थोड़ा प्रतापानु जी समझा दीजिए। देखिए ये तो समझ समझ का फेर है पंडित जी। जी आप कितनी घुमाइए, हम आपके आपके इसमें जाल में आ नहीं सकते, क्योंकि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। जी हमारी जो आक्रोश यात्रा है वो हमारे स्टेट प्रोग्राम है, राज्य ने दिया है AICC की स्वीकृति के साथ दिया है, और हमारे प्रभारी जो महामंत्री हैं RS रणदीप सुरजेवाला, पिछले 10 दिनों से इसी कार्यक्रम में लगे हैं, जिले के संगठन मंत्रियों से चर्चा हो रही है, संगठन प्रभारियों से हो रही है, जिला कांग्रेस कमेटी से हो रही है, एक पूरी यात्रा का रूट तैयार हो गया है पूरे मध्य प्रदेश का, सबको प्रभारी बना दिया गया है, और कल से गणेश उत्सव के दौरान माने गणेश चतुर्थी से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, 5 अक्टूबर को समापन है, और जब इसके बाद INDIA इंडिया संगठन जब भी चाहे कर ले, कोई दिक्कत हो उसमें परेशानी थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है, पर प्रताप भानु जी बता रहे मैं जाल में नहीं फंसने वाला, का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। तो भाई यशपाल जी के पास चलता हूँ, यशपाल जी जाल में नहीं फंस रहे हैं प्रताप भानु जी, और जबरदस्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेके जनता के बीच जा रहे हैं जन आक्रोश रैली के माध्यम से, और 5 तारीख को अर्थात 5 अक्टूबर को ऐसा कहते हैं यशपाल जी प्रताप भानु जी के इस दावे के संदर्भ में। अच्छा हिमांशु जी, एक तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हमारे दल में प्रियंका वाड्रा गांधी का स्थान ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि जैसा कि प्रताप भानु जी बता रहे हैं कि 5 अक्टूबर को मोहनखेड़ा में वे यात्रा का समापन करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि 5 अक्टूबर की जगह अगर 2 अक्टूबर कर देते महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के, आपका कैलेंडर बनाता कौन है ये? आप अगर 2 अक्टूबर को कर देते तो क्या महात्मा गांधी जी का अपमान हो जाता क्या? महात्मा गांधी का अभी हालिया सम्मान हुआ है, जब समाधि पर दिल्ली में G20 में सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आ करके जब पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो वहां हे राम लिखा रहता है, और हे राम लिखा रहता है मतलब सनातन धर्म का कहीं ना कहीं उसमें इंगित होता है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा आदरणीय प्रताप भानु जी से कि ये भी बताने का कष्ट करें कि सागर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म को लेकर के जो टिप्पणी करी है, और उसके बाद जो एक माहौल इस प्रकार का बना है कि कांग्रेसियों की जन आक्रोश यात्रा में हम अपना आक्रोश दिखाएंगे, तो इसी से डर करके भय खा करके, और कांग्रेस के जैसा कि वेणुगोपाल जी ने आपने बताया उनके एजेंडे को, और कांग्रेस में तो देखिए डॉक्टर साहब चलता है न भई न खाता, जो कांग्रेस का नेता कहते वो सही व्यवस्था। और मैं फिर कहना चाहूंगा
कि जब संत रविदास जी की मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, और आपको याद होगा 12 तारीख की डॉक्टर हिमांशु जी, और 13 तारीख को खड़गे जी सागर में सम्मेलन कराना चाह रहे थे और कांग्रेस के बैनर पे कराना चाहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? अंतोगत्वा, मुंह की खाना पड़ी और अगले दिन का कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा। इसलिए कि पूरे सागर में संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण में जो जन समूह उमड़ करके आया, और उसके कारण से खड़गे जी ने घोषित कार्यक्रम को निरस्त किया। इसी प्रकार से जन आक्रोश, नाम जरूर आपका है, ये जन आक्रोश डॉक्टर साहब आपकी उस रैली में जो वेणुगोपाल जी ने तय की थी एक झटके में कैंसल हो गई, कोई जरूरत नहीं इसकी, सर्वोपरि हो गए कमलनाथ जी, एआईसी से भी बड़े नेता कमलनाथ जी ज्यादा बड़े हो गए एआईसी से। कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, प्रताप भानु जी एक बार उनका संक्षिप्त हस्तक्षेप लेते हैं, फिर गिरिजा शंकर जी के पास चलते हैं। जी प्रताप भानु जी, क्या कह दिया यशपाल जी ने? नहीं नहीं, यशपाल जी ने कहा नहीं, मुझसे सवाल किए तो उसका जवाब तो दे दूंगा उनके लिए जी। सनातन वाली बात मोदी जी ने सागर में नहीं कही थी, बिना रिफाइनरी के उद्घाटन के समय पे कही थी, वो संशोधन कर लें जी। और दूसरा, यदि मोदी जी सनातन के परम भक्त हैं तो हम भी उससे परम परम भक्त हैं सनातन के, और बाय बर्थ सनातनी हैं, उसमें हमें भाजपा के या मोदी जी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है जी। और हमेशा जब इनका पक्ष या एजेंडा इनके पास नहीं होता है तो कभी ये धर्म की बात करने लगते हैं, कभी सनातन पे आ जाते हैं और अपनी बात ये बताते हैं कि सनातनी यही है, सनातन पूरा देश पूरा भारतवर्ष सनातनी है, और जो पैदा हुआ है मानो आप बुरा मत मानिएगा और इसको व्यक्तिगत भी मत लीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन से सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार होता है जिसमें मटन बनाना सावन के महीने में सीखा जाता है? थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब आप भी बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, एक सवाल कर लिया, मतलब ये जिज्ञासा में था, चूंकि आपने इतनी दमदारी के साथ बोला तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सवाल कर लिया। प्रताप भानु जी, का सवाल बिल्कुल इररिलेवेंट है और इस विषय में मैंने कोई चर्चा ही नहीं छेड़ी आपसे, मैं अपनी बात कर रहा हूं और सनातनी धर्म की बात कर रहा हूं, और सनातनी धर्म वही है। प्रताप भानु जी ने मेरे सवाल को इररिलेवेंट कर दिया तो हम इसे खींचते नहीं है, उन्होंने चूंकि एक दावा किया था इसलिए सवाल जहन में था लंबे समय से, इसलिए पूछ लिया था। अपन उस विषय को नहीं खींचते, अपन मूल विषय पर रहते हैं और गिरिजा शंकर जी के पास चलते हैं। और गिरिजा जी, आपसे समझना चाहता हूं, एक सोचा समझा फैसला, एक विवेक सम्मत फैसला कमलनाथ जी के द्वारा जमीनी स्थिति को जानते हुए भांपते हुए कि इंडिया की रैली देश के संदर्भ में भले ही संदेश देती हो पर 2023 में कहीं कांग्रेस का मध्य प्रदेश में काम ना लगा दे, इसलिए निरस्त कर दी गई, इसलिए निरस्त करा दी गई, या कुछ और आप देख पा रहे? स्टालिन उदयनिधि के बयान के बाद सनातन धर्म को जिस प्रकार से विषय बनाया गया है, मध्य प्रदेश में चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ जाए, क्या इस बात को भांपते हुए ये रैली रद्द की गई? मुझे लगता है कि जो रैली का फैसला है वो गठबंधन के संयोजन समिति की जो बैठक थी उसमें लिया गया है, उसमें कुछ और फैसले भी लिए गए थे और अभी तक उनकी तरफ से रैली के रद्द होने की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। ये कमलनाथ जी का जो कहना था कि रैली रद्द हो गई है, लेकिन उस गठबंधन की जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें कमलनाथ जी नहीं है जी। और वहां पर सुरजेवाला जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे, उन्होंने कोई तस्दीक नहीं की इस बात की कि हाँ ये रैली स्थगित हो गई है। तो अभी ये देखना होगा कि कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि रैली जो है वो स्थगित हुई है या नहीं हुई है, उसकी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि जो कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा है या 2023 का चुनाव है या जो विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, तो कांग्रेस के इस अभियान का जो गठबंधन की रैली या गठबंधन की जो एकता है उसमें कहां विरोधाभास है, ये तो उसी एकता को आगे बढ़ाने की बात है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की यात्रा उससे प्रभावित होगी या कांग्रेस को उस गठबंधन की रैली से कोई नुकसान होगा, ये किस रूप में देखा जा रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं वापस लौटता हूं थोड़ा सा सवाल के संदर्भ में, क्या आप मानते हैं कि कमलनाथ जिस रैली के मध्य प्रदेश में आयोजन के रद्द होने की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दें, क्या कांग्रेस ऐसी किसी रैली का आयोजन करा सकती है? एक सवाल तो मेरा आपसे ही है और दूसरा आपसे पुनः सवाल को दोहराता हूं कि जिस तरीके से उदयनिधि के स्टालिन के बयान के बाद से
सनातन धर्म को विषय बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा है, क्या उससे बचने की कोशिश तो कमलनाथ जी ने नहीं की है रैली को रद्द कराने की बात कहके, कि कहीं दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी बनने की कोशिश में हों और कुछ भी ना रह जाएं। इस बात को भांपते हुए कमलनाथ जी ने कहा भैया दूर ही रहो अभी मध्य प्रदेश से। सीधा सवाल है गिरजा जी, आपका जो ये अनुमान है वो मैं भी इसको सहमत हूँ उससे, वो अनुमान हो सकता है और हो सकता है कि वो ये भी चाहते हो कि जो कुछ तैयारी उनके स्तर पर विधानसभा चुनाव की हो रही है वो कहीं डाइवर्ट ना हो किसी न किसी मुद्दे को लेकर, वो उनकी जो जो यात्रा है या उनकी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो उसमें जो खलल ना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि जब तक के जो गठबंधन की ओर से जो घोषणा की गई है रैली की, जब तक औपचारिक रूप से उनकी ओर से रैली को रद्द करने की बात नहीं आती है, तब तक मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि रैली अभी भी स्टैंड कर रही है, रैली भी अभी भी स्टैंड कर रही है। तो प्रताप भानू जी आपके पास आता हूं, गिरजा जी कमलनाथ जी के बयान के ऊपर केसी वेणुगोपाल जी के बयान पर कायम है। भाई गठबंधन ने कहा था रैली भोपाल में होगी 2 तारीख को होगी, कमलनाथ जी ने कहा है नहीं होगी। तो प्रताप भानू जी आप ही बताओ किसकी बात में भरोसा करें, गिरजा शंकर जी जैसा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भरोसा नहीं कर पा रहा कमलनाथ जी के बयान पर, अब गिरजा जी भरोसा नहीं कर पा रहे, बाकी मध्य प्रदेश की जनता का क्या होगा प्रताप भानू जी? नहीं देखिए, गिरजा शंकर जी ने बहुत साफ साफ बात कही है, उसका इंटरप्रिटेशन मत करिए आप। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि अभी गठबंधन की चर्चा है, गठबंधन ने कोई तय नहीं किया था, चर्चाएं चल रही थी, यहाँ से शुरू करेंगे वहां से शुरू करेंगे, और यदि हमारे नहीं प्रताप भानू जी ऐसा नहीं, ऐसा बोल के ना निकल जाए कि ये तो मैं गिरजा जी से वापस कहलवा देता हूँ। गिरजा जी रैली तय नहीं हुई है, या गिरजा जी का मानना है कि रैली तो तय है अभी तक गठबंधन की ओर से कि 2 अक्टूबर को भोपाल में होगी, थोड़ा स्पष्ट कर दे, प्रताप भानू जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने जो कहा कि वो सार्वजनिक डोमेन में है, मेरे लिए नहीं जी। वो जो घोषणा हुई थी कि भोपाल में रैली होगी वो गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया निर्णय है, वो कांग्रेस का निर्णय नहीं है जी। और उस निर्णय की जो घोषणा हुई थी उसको अभी तक के अधिकृत रूप से रैली रद्द होने की कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं है जी। धन्यवाद गिरजा जी, मैं वापस प्रताप भानु जी। तो आपको स्पष्ट हुआ ना गिरजा जी ने ये कहा क्या? गिरजा जी ने कहा कि गठबंधन की बैठक हुई इंडिया और उसके अंतर्गत तय हुआ कि पूरे देश में संदेश देना है, मध्य प्रदेश से देना है, सबसे उत्तम प्रदेश मध्य प्रदेश, और वहां पर भोपाल से देना है। और अब आप स्पष्ट करें किसकी बात पे यकीन करें, केसी वेणुगोपाल जी की भी या कमलनाथ जी की? उसमें तारीख का यदि पुनः निर्धारण वो करेंगे या वो उन्हें सोच समझ के करेंगे तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सिर्फ उन्हें ये बात देखना चाहिए कि हम। अरे प्रताप भानू जी एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी गठबंधन की जरूरत है? क्या कांग्रेस इतनी असहाय अपने आप को महसूस कर रही है कि भाई समाजवादी पार्टी आके हथेली लगाए, कम्युनिस्ट पार्टी आके हथेली लगाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आके हथेली लगाए, तब जाके आप शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ कर पाएंगे? तो आपको इंडिया के गठबंधन की विधानसभा चुनाव में जरूरत है या आप चाहेंगे भाई विधानसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश और भोपाल को बख्श दो, बाद में इधर आ जाए ना, विधानसभा चुनाव तो हम ही निपट लेंगे, क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? देखिए, जब एक बार गठबंधन हो गया तो देश के हर चुनाव में गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा जी। किसको किसकी जरूरत है अब ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपस में एक मजबूत गठबंधन हो गया है, इसमें किसी बात से अब कोई संकोच किसी को नहीं करना चाहिए। तो फिर जाके ये जो केजरीवाल गठबंधनों में सीटों की साझेदारी है, तो प्रताप भानु जी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कुछ शेयर देगी? जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो वो तय करेंगे उसका हम पालन करेंगे। तो आपको ऐसी कोई जरूरत है? मतलब आप उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या जवाब देंगे जो 230 सीटों पर कांग्रेस के बैनर तले पूरी तैयारी के साथ खड़े? क्या उन लोगों को अब समझौता करना पड़ेगा? चिंता मत करिए, गठबंधन मजबूत है और चुनाव में हर एक के सहयोग की जरूरत हो रही है जी। और पड़ती है इस चुनाव में सहयोग लेने की। आप देखिए भाजपा में किस तरह से भगदड़ मची हुई है जी। लोग सिटिंग विधायक छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं जी। जो पूर्व विधायक है वो कांग्रेस में आ रहे हैं, और कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो यशपाल जी आप कितना घबरा गए प्रताप भानु शर्मा जी के दिए गए वक्तव्य से? एक तो वो ये बता रहे हैं
मिलकर लड़ेंगे, सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो विधानसभा चुनाव में भी एक साथ रहने वाले हैं, आपका क्या होगा यशपाल जी, पार्टी का भी और आपका भी? कहा मिलकर के लड़ रहे हैं, आपको पता है मुझे भी पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव सन्निकट है, अक्टूबर महीने में आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर में मतदान हो जाएगा। ये कैसा गठबंधन है कि एक तरफ भोपाल में INDA की इंडिया की रैली क्या बात होती, वेणुगोपाल जी की बात पर पानी फेर दिया, जैसा आपने अपने आपने अभी वक्तव्य दिया, आपने कहा कि वेणुगोपाल जी की मंशा पर पानी फेर दिया, कांग्रेस का तो पानी ही उतर गया। और दूसरा, ये कौन सा गठबंधन है डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगा प्रताप भानु जी से, क्या आप भोपाल में रैली करना चाहते हैं, कमलनाथ जी उसको निरस्त करना चाहते हैं, सपा चुनाव में टिकट बांट रही है, आपके पार्टी चुनाव में टिकट बांट रही है, ये आपका कैसा गठबंधन है? केंद्र में अलग गठबंधन, दिल्ली में अलग गठबंधन, मध्य प्रदेश में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं होगा? और फिर ये भी है कि प्रताप जी आप ये भी बता दें कि आपने सनातन के बारे में बड़े कसीदा जड़ दिया यहाँ पे डिबेट में, तो आपने और आपके दल के नेताओं ने उदय स्टीफन DMK के नेता से नहीं पूछा कि आपने क्या बयान दे दिया है, सनातन डेंगू है और सनातन धर्म तो मलेरिया है और इसको नेस्त नाबूद कर देंगे? प्रताप भानु जी आपका एक नेता नहीं बोला है, किसी ने ट्विटर पर ट्वीट करके और इस बात के लिए क्षमा याचना भी नहीं करी है, और स्टालिन के बयान पर, उदय निधि के बयान पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करी, ये आपका कैसा गठबंधन है? आप हिंदुत्व की बात भी करते हैं, आप डेंगू भी बताते हैं, आपका गठबंधन? यशपाल जी ऐसा तो नहीं है कि आपत्ति व्यक्त नहीं की, रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ दोनों ही खुलकर सनातन धर्म के पक्ष में बाकायदा बयान दिए हैं, सनातन सदैव सनातन रहेगा ये बात रणदीप सुरजेवाला ने दमखम के साथ बोली है, तो वो अपनी बात पर रहे। लेकिन हम आखिरी बातचीत के लिए गिरिजा शंकर जी आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो रैली पर विराम लगा है तात्कालिक रूप से, भले ही आपका ये कहना है कि अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से तो नहीं आया, पर क्या गिरिजा जी आप मानते हैं कि कमलनाथ रैली कराने के लिए तैयार ना हो और ये इंडिया गठबंधन भोपाल में रैली कर लेगा? गिरिजा जी वाकई आपको लगता है? नहीं, जाहिर है कि ये रैली करने का जो फैसला है ये कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है अकेले का, ये पूरे गठबंधन का फैसला है जी। तो पूरे जहां पर 26-28 दल मिलकर कोई फैसला कर रहे हैं तो उसको कोई स्टेट कमेटी जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे, ये संभव नहीं है। हो सकता है कि गठबंधन के स्तर पर रैली स्थगित हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन यदि गठबंधन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है तो वो कांग्रेस का नहीं, पूरे गठबंधन का निर्णय है। दूसरी बात जो है वो हमको ये देखना चाहिए कि ये गठबंधन मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस के लिए कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है। आप देखेंगे कि पूरे देश में लगभग 12-14 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस और BJP का सीधा मुकाबला है, वहां कोई तीसरा दल नहीं है, जो तमाम गठबंधन के दल है उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। और ऐसे जगहों पर, ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में खासकर मुझे नहीं लगता कि गठबंधन के साथ कोई सहयोग या कोई तालमेल या कोई गठबंधन कांग्रेस करेगी। मोटे तौर पर ये तय लगभग माना जा रहा है कि जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए है और विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव। तो गिरिजा जी मैं आखिरी बातचीत करता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव तक डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, हमें अपना चुनाव लड़ने दीजिए, इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर सीधे तौर पर कह दिया रैली रद्द हो चुकी है, उन्होंने संशय व्यक्त नहीं किया है। कमलनाथ बहुत अनुभवी राजनेता है, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत है, कांग्रेस के अंदर हैसियत है, क्या गिरिजा जी आप उनके बयान को सिरे से नकार देंगे कि भले उन्होंने बोल दिया है पर फिर भी रैली हो सकती है, या आप मानते हैं कि कमलनाथ जी ने सीधे तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को संदेश दे दिया है, आप देश की राजनीति करते रहना, प्रदेश के स्तर पर हमें अपने अनुसार काम करने दीजिए? मैं किसी के बयान को नकार नहीं रहा हूं, मैं तो जो फैक्चुअल स्टेटस है वो रख रहा हूं कि गठबंधन की तरफ से जो घोषणा की गई थी रैली करने की, गठबंधन की ओर से उसको स्थगित करने का कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ये बिल्कुल सही है कि कमलनाथ जी पूरी तौर पर फोकस किए हुए हैं 2023 के विधानसभा चुनाव पर, और आप देखेंगे कि आज से नहीं, जब से सरकार उनकी गिरी है उसके बाद से वो लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा जो अपनी कर्मस्थली मध्य प्रदेश को बना ली है और पूरे स्टेट में वो दौरे कर रहे हैं,
और तमाम उनकी तैयारी जो है वो फोकस है विधानसभा चुनाव के लिए, और वो उस फोकस को किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और रैली को स्थगित करने की जो बात उन्होंने कही है वो कितनी अधिकृत है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि वो इस दौर में विधानसभा चुनाव के दो महीने जो तैयारी उनकी चल रही है उस तैयारी में किसी भी तरह का खलल वो नहीं चाहते, किसी और तरह की तैयारियों में पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के नेता उलझे ऐसा वो नहीं चाहते, ऐसा वो नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर अगर हम चुनावी चर्चा के आज के नतीजे पे पहुंचे तो विरोधाभास के साथ हम नतीजे पे पहुंच रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हमें बताना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया का गठबंधन के मायने हैं, विधानसभा चुनाव में भी मायने हैं, पर गिरिजा शंकर जी जैसा अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक, कमलनाथ जी के बयान और बाकी गतिविधियों को देखकर इस नतीजे पर है कि इंडिया नाम का जो गठबंधन है वह लोकसभा चुनाव में कोई भूमिका निभाएगा, पर इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के संदर्भ में गठबंधन के स्तर पर कोई उम्मीद ना रखी जाए। जो रैली का स्थगन है उसके संदर्भ में गठबंधन की ओर से स्थगन की कोई सूचना नहीं है, पर कमलनाथ जी का सिरे से रैली को नकारना दरअसल इस गठबंधन को ही विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नकार देना है। हमारे साथ में जुड़े हुए यशपाल जी लगातार इस बात को ही बता रहे हैं कि कोई गठबंधन की स्थितियां है ही नहीं, अकेले अकेले चुनाव लड़ने का है, तो ये अकेले अकेले का चुनाव क्या नतीजे देगा जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन बहरहाल आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, समय याद लेने का तो मुझे दिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।